तो दोस्तों, अगर आप भी मनी प्लांट को इस तरीके से बॉन्साई पॉट में लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना होगा एक थिक ब्रांच का। Hey there, this is Chauhan from Bonsai Hunter. Welcome back to my channel. Today we are going to talk about money plant, pothos. दोस्तों, ये जो मनी प्लांट है इसे हम वॉल के सहारे लगाते हैं, बॉटल में लगाते हैं और इसे कई तरीके से हम मनी प्लांट को लगाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मनी प्लांट को बॉन्साई पॉट के अंदर कैसे लगाया जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा मनी प्लांट है ये एक बॉन्साई पॉट में लगाया है हमने और इसकी जो ट्रंक की जो थिकनेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं नर्सरी में गया था, वहाँ पर जब मैंने देखा कि इस तरह की थिक ब्रांचेस को काट काट के टुकड़े करके वे प्रोपेगेट कर रहे थे पौधों को, वहाँ से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना एक थिक ब्रांच को हम बॉन्साई की तरह ग्रो करें। तो दोस्तों, अगर आप भी मनी प्लांट को इस तरीके से बॉन्साई पॉट में लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना होगा एक थिक ब्रांच का, एक मोटी थिक ब्रांच जिसे हम आसानी से एक तने की तरह इस्तेमाल कर सकें, एक ट्रंक की तरह इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक मिनी बॉन्साई की तरह लग रहा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इसके अंदर। अब अगर इसकी जो ग्रोथ होती है, आगे ग्रोथ होगी तो उसे हम वायर करेंगे और वायर करके इसे एक अम्ब्रेला शेप की कैनोपी देंगे। आइए दोस्तों, मनी प्लांट की केयर के बारे में बात करते हैं। मनी प्लांट को सेमी शेड पसंद है तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी न रखें और बिल्कुल भी न लगाएं। साथ ही साथ इसे मिस्टिंग बहुत पसंद है। हाई ह्यूमिडिटी के अंदर मनी प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है तो आप इसके ऊपर दिन में 2 बार 3 बार जितना संभव हो आप वाटर स्प्रे करते रहें। वाटर स्प्रे करने से मनी प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होती है क्योंकि इसे ह्यूमिडिटी मिलती है और हाई ह्यूमिडिटी के अंदर मनी प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और मनी प्लांट हेल्दी रहती है। So friends, that's it for today. I will be back with some more informative videos on bonsai and gardening. Till then, goodbye.